के पर्यटन मंत्री हैं जयवीर सिंह इस वक्त मंच पर मौजूद हैं, उनका संबोधन हो रहा है। लेकिन इस दिन में सीएम योगी आदित्यनाथ को सुनना यहां पर दिलचस्प होगा, क्योंकि उनके अंदर भी ऊर्जा जरूर भरी हुई है इस बार के दीपोत्सव को लेकर, और उनको सुनना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से वो जो है यहाँ पर संबोधन में क्या कुछ बोलते हुए नजर आएंगे। तो फिलहाल जो तस्वीर है हम आपको लगातार अयोध्या के दीपोत्सव के जो जो मंच है वो सजा हुआ है वो दिखाने का हम काम कर रहे हैं। पहले दीपोत्सव कार्यक्रम के तो दीपोत्सव पर्यटन मंत्री यूपी के जयवीर सिंह फिलहाल मंच पर उनका संबोधन यहाँ पर चल रहा है, और कुछ देर में सीएम योगी आदित्यनाथ भी क्या कुछ बातें कहेंगे ये देखने वाली बात होगी। और बड़ी बात यह है प्रयासी के पल है ये दिन, रिकॉर्ड तो साल दर साल बन ही रहा है, लेकिन भगवान श्री राम की भूमि में 500 सालों के बाद इस तरीके का आज मौका आया है कि एक तरफ राम का मंदिर बनकर निर्माण होकर तैयार हो गया है, प्राण प्रतिष्ठा में हमने देखा दुनिया भर से लोग पहुंचे, वैसे ही देश भर से लोग अयोध्या में दीपावली से एक दिन पहले दीपोत्सव के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। बिल्कुल मयूर आप बने रहेगा, वापस आएंगे आपके पास। और इस बीच यहाँ पर पर्यटन मंत्री का संबोधन चल रहा है, सुनवाते हैं। सम्मानित हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, और ऐसी भारत की धरती जो वीरों के लिए राष्ट्रभक्ति के लिए सदैव जानी जाती है, जिनका पौरुष आदिकाल से हमेशा पूरे देश को एक नई ऊर्जा देता रहा है, ऐसी धरती के लाल भारत सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्री आदरणीय बड़े भाई श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, आदरणीय डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश श्री ब्रजेश पाठक जी, आदरणीय मंत्री और अयोध्या जिले के प्रभारी आदरणीय सूर्य प्रताप सिंह शाही जी, बहुत बहुत सम्मानित आदरणीय मंत्री श्री सुसंदर सिंह जी, आदरणीय मंत्री श्री शशि शर्मा जी, पूज्य संत कमल नयन दास जी, पूज्य जगतगुरु रामानुज आचार्य जी, पूज्य राजकुमार दास जी, पूज्य धर्मदास जी महाराज, मेयर साहब, यहाँ उपस्थित सभी हमारे सम्मानित विधायकगण, एमएलसी साथियों, सभी अन्य जनप्रतिनिधिगण, और यहाँ उपस्थित आदरणीय वेद प्रकाश जी, आदरणीय अमित चौहान साहब, आदरणीय रामचंद्र यादव जी, आदरणीय अवैध सिंह जी, और अन्य सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, सभी को इस पुनीत पावन अवसर पर, इस ऐतिहासिक क्षण पर, सनातन संस्कृति के अद्भुत इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं आप सबको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि पहला दीपोत्सव का कार्यक्रम मंदिर निर्माण के बाद हो रहा है। इस अवसर पर इसकी भव्यता दिव्यता अलौकिकता के क्षणों पर बहुत बहुत आपका अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बहुत लंबा संघर्ष हुआ सनातन संस्कृति को कुचलने का, दबाने का लंबा अवक्रम चला, लेकिन बधाई देना चाहेंगे अपने आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, बधाई देना चाहेंगे अपने आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने तमाम प्रयासों के बाद और तमाम अवरोधों को हटा करके वो क्षण हमारे सामने, हमारे राष्ट्र के सामने प्रस्तुत किया, जब राम लला जिसकी परिकल्पना बहुत समय पहले, 500 वर्ष समय पहले की गई थी, वो साकार होती हुई नजर आई। और हम सब वर्तमान पीढ़ी के लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारी पीढ़ी में ये क्षण आए, क्या भव्य दिव्य अलौकिक मंदिर साकार स्वरूप लेने में हम लोग कामयाब हुए। अंततः कितनी पीढ़ियां चली गई जो संघर्ष करती रही, त्याग करती रही, तपस्या करती रही, और जिन्होंने बलिदान देने का काम किया, लेकिन उनके जीवन में ये क्षण नहीं आ पाया। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम सबके जीवन में ये क्षण आए हैं, और मैं समझता हूँ कि आज ऐसा पुनीत कार्यक्रम है जिसको हम लोग लगातार पैसे तो भव्यता दिव्यता अलौकिकता देते ही रहे हैं, लेकिन इस बार मंदिर बनने के बाद के पहले कार्यक्रम में जो हम लोग पिछले इस कार्यक्रम के कीर्तिमान बनाते रहे हैं, अपने ही कीर्तिमानों को बना बना करके अगले साल का जब कार्यक्रम हुआ है,
तब तक उन कीर्तिमानों को तोड़ने का काम करके नया विश्व रिकॉर्ड हमने बनाया है। और इस बार हम लोग पुणे 25 लाख से दियों का प्रज्वलन एक साथ करके और 1100 से ज्यादा वेदाचार्यों के द्वारा मां सरयू के तट पर मां की आरती करने का एक विश्व रिकॉर्ड बनाकर के गिनी जिपों का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम करने जा रहे हैं। ऐसे शुभ अवसर पर मैं पुनः एक बार पधारे हुए सभी जनजन को कोर्ट से बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे क्षण हम लोगों के जीवन में निरंतर आते रहें। हमारा देश सनातन संस्कृति के रूप में सनातन परंपराओं का आदर्श बन के आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में न सिर्फ हम विश्व गुरु पुनः बने बल्कि आने वाले वर्षों में भारत पुनः लगातार बने हुए हैं। मयूर, अभी पर्यटन मंत्री का संबोधन हम सुन रहे हैं, इसके बाद मुख्यमंत्री का संबोधन भी होगा। जाहिर तौर पर बताया जाएगा कि कैसे अथक प्रयास किए गए और कैसे राम मंदिर का निर्माण हुआ, रामलला को यहाँ विराजमान किया गया और आज ये पल अब सबके सामने है। मानवता के लिए, लोक कल्याण के लिए लेके लंबे संघर्ष से ये पूरा समय गुजरा है और जिस तरीके से जिन भगवान श्री राम का नाम लेकर देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसके बाद उत्तर प्रदेश में लगातार दो बार जो यूपी में भाजपा की सरकार बनी है वो भगवान श्री राम का नाम लेकर उनका आशीर्वाद से ही बनी। तो कहीं ना कहीं जो संकल्प उन्होंने लिया था मंदिर बनाने का, वो मंदिर का काम पूरा किया गया। उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा की गई, दुनिया भर से लोगों को बुलाया गया, दर्शनीय वो पल था। पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण भव्य दिव्य हुआ और उनके उनकी प्रतिमा को यहाँ पर रख के उसका उद्घाटन किया गया। लेकिन आज की जो तस्वीर है वो तस्वीर उससे भी कहीं ना कहीं जीवंत कर देने वाली।